हमारा आज का टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य का विस्तार सबसे पहले हम जब भी किसी मैप को फिल करते हैं तो हमें उसके साइड में मैप का टाइटल जो है वो लिखना होता है कहीं पर भी आप अपना रोल नंबर जो है वो शो नहीं करोगे कहीं पर भी आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो मैप पर आप नहीं दिखाओगे कहीं भी तो सबसे पहले जब हम मैप को फिल करते हैं तो हम पड़ोसी देशों के बारे में ज़रूर वर्णन करते हैं जैसे हमारे पड़ोसी देश है चीन तिब्बत नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार यहाँ अगर हम बात करें पाकिस्तान अफग़ानिस्तान इसके बाद हम जब हम तटीय प्रदेश यानी दक्षिण भारत को जब हम दर्शाते हैं तो दक्षिण भारत को दर्शाते वक्त हम बताएंगे बंगाल की खाड़ी के बारे में अरब सागर के बारे में दक्षिण में हम हिंद महासागर के बारे में और पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में जब भी आप किसी मैप को फिल करते हो तो मैप को फिल करते वक्त आप संकेत चिन्ह जरूर देंगे जैसे हमने अभी बताया कि हम करेंगे विजयनगर का साम्राज्य विस्तार तो जहाँ तक विजयनगर की सीमाएं हैं वहाँ तक हमें जे, ये जो स्टैंडिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इसके संकेत चिन्ह हैं ये जब भी आप मैप को फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि मैप को फिल करते वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम सीमाएं रेखाएं बना रहे हैं वो सही है या नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आप दक्षिण भारत का ये जो इलाका है इसको यहाँ पे आप संकेत चिन्ह जो है वो लगाएंगे सीमा रेखा जो है उसको शो करेंगे और इधर आपको ये एक बीक यानी चोंच की तरह जो दिखाई दे रहा है और ये आप मुंह जो बनाएंगे ये आपको हाथ का जो पंच होता है उसकी तरह आपको नजर आएगा कर्नूल का जो इलाका है तो सबसे पहले आप इस रेखा को यहाँ से उठाएंगे फिर थोड़ा नीचे लेके आएंगे फिर एक बीक बनाएंगे ये आपको बीक जैसा नज़र आएगा और ये आप पंच का निशान देते हुए यहाँ तक आप इसको शो करेंगे तो ये दक्षिण भारत यहाँ आपको पूरा इलाका जो है इसको आप शो करेंगे ये आपका विजयनगर साम्राज्य विस्तार जो है वो नज़र आएगा तो हमने बातचीत की कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें आप सबसे पहले अन्य नगरों को दिखाएंगे जैसे करनूल है ये कांची है और यहाँ आपको इस बीक के अंदर आप तंजोर और नागापट्टम दिखाएंगे कोई ना कोई चीज जो है वो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसको हम इस तरीके से बनाएंगे तो जैसे यहाँ पर जब हम कांची को दिखा रहे हैं तो आप मैप में देखिएगा कि ये ऐसे घुमावदार जो चीज़ है यहाँ पे आप कांची दर्शाएंगे फिर कांची के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे कि बीक है बीक यानी कि चोंच जैसा आपको नजर आ रहा है तो ये चोंच जो इसमें आप दो नगर दिखा सकते हैं नागापटम और तंजोर फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो श्रीलंका से जो आपको जुड़ा हुआ सा हिस्सा जो नजर आ रहा है बिल्कुल ब्लैक सा जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप मदुरा नजर दिखाएंगे और उसके इस साइड में आप तूती कोरिन और यहाँ पे तीने वेली और वहाँ ऊपर तीने वेली के बिल्कुल ऊपर आप करनौल यहाँ आप कालीकट कालीकट बंदर का आपको पता ही है कि चौदह सौ अठानवे में कालीकट में कौन आया था वास्को डी गामा. काल के कालीगढ़ के बिल्कुल ऊपर कन्नौर उसके ऊपर मैंगलोर और होनावर तो यहाँ बीच में आप बेंगलोर को दिखाएंगे तो ये आप पूरा दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य विस्तार तो दिखाएंगे आपको पता ही है विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर पुका नामक दो भाइयों ने 1326 सौ ईस्वी में इसकी स्थापना जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य हमें विस्तार विस्तृत नजर आता है और जिसे संभालने में वो अयोग्य साबित हुआ और दक्षिण भारत में विजयनगर जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है विजयनगर में हरिहर बुक्का के शासन के बाद यहाँ पर 1570 सौ ईस्वी तक तीन वंशों का जैसे संगम वंश है सुलू वंश है तुलू वंश ने शासन किया और अरविंदो वंश ने भी शासन किया परंतु विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध व महान शासक कृष्णदेव राय था उसने 1509 से लेकर पंद्रह ईस्वी तक शासन किया उसके काल में विजयनगर ने बहुत ज्यादा जो विकास है किया। अपनी सैनिक शक्ति को दिखाने के लिए उसने आंतरिक शांति स्थापित की विद्रोह का अंत किया और बीजापुर बहमनी और बीजापुर के अंदर उन्होंने शासक को पराजित करके गुलबरगा तक भी अपना अधिकार जो है स्थापित किया तेरह से लेकर पंद्रह सौ तक उसने उड़ीसा के शासक को भी चार बार हटाया इस तरह से उदयगिरी गुलबर्गा गोलकुंडा दुआब का क्षेत्र बिदर पर उन्होंने अपना कब्जा जो स्थापित किया पंद्रह परंतु जब पंद्रह सौ ईस्वी में उनकी मृत्यु हो रही है उसके बाद विजयनगर जो है उसका शासन जो है वो हमें बहुत संघर्ष भरा नज़र आता है क्योंकि उसके समय के बाद कृष्णदेव राय के बाद पुर्तगाली यात्री डायमुगो पेस ने उसके का, काल में यात्रा की और कृष्ण देव के उत्तराधिकारी जो वो बहुत ज़्यादा कमजोर निकले वो राज्य को नहीं संभाल पाए और इसके बाद जो है पुर्तगालियों ने तूती कोरिन पर अपना अधिकार जो वो स्थापित कर लिया पंद्रह ईस्वी में देवराय के बाद सदा शिवराय शासक बने विजयनगर को अंतिम और नामातर शासक जो है वो नजर आता है पंद्रह सौ बयालीस ईस्वी में उसके काल में राज्य के जो सकता है उसके मंत्री राजा राम के हाथों में रही राजा राम की कमजोर नीतियों के कारण बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर व बीदर का जो इलाका है वो स्वतंत्र घोषित हो गया और तेईस जनवरी पंद्रह सौ पैंसठ ईस्वी में तालेकोटा के युद्ध में विजयनगर की शरणार्क हार हुई राजा राम राम मारा गया और विजय सेनाओं ने इस क्षेत्र को खूब लूटा और इसके जो इतने ज़्यादा विकास हुआ था वो भी हमें बिल्कुल पतन की ओर जाते हुए नज़र आता है तो धीरे धीरे पंद्रह सौ ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक वंश के शासक ने वैकंठ राय ने इस पर शासन किया उसने मुस्लिम सुल्तानों द्वारा छीने गए विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा स्थापित किया परंतु उसकी मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से नष्ट जो है वो नजर आता है और बिल्कुल अंतिम जो है वो उसका पतन की तरफ जाने लगा जिंजी तंजोर मदुरा के नायकों ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और इस तरह से इतने विशाल राज्य का अंत जो है वो हो गया निष्कर्ष के तौर पर देखें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक विकास जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ कृष्णदेव राय ने स्थानीय शक्तियों के साथ युद्ध किए शक्ति संतुलन को बनाए रखा उसने पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए साहित्य की दृष्टि से भी तेलुगु साहित्य का युग जो है वो माना जाता है तो देव राय के बाद कोई भी शासक जो विजयनगर को नहीं संभाल सका और विजयनगर जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाता हुआ नजर आता है तो जब भी आप इसको फिल करेंगे बहुत ही ध्यान से इसको फिल करेंगे ये आपका पूरा मैप जो है वो इस तरीके से आप जो है इसको फिल करेंगे धन्यवाद